कॉर्पोरेट्स के आज हम बातचीत करेंगे साइन पोस्ट इंडिया के मैनेजमेंट से। प्रेसमैन पीआर का साइन पोस्ट में मर्जर के बाद आज कंपनी दोबारा लिस्ट हुई है। डिस्कवरी प्राइस से 5% प्रीमियम पर साइन पोस्ट की लिस्टिंग हुई। आउटडोर विज्ञापन और आउट ऑफ होम विज्ञापन कारोबार में है कंपनी। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएमडी श्रीपाद अष्टेकर सर। अष्टेकर जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सर मैं आपसे ही समझना चाहूँगा ये कंपनी के कारोबार के बारे में। हमने अक्सर बोर्ड्स देखे हैं, साइन बोर्ड्स देखे हैं, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द तो बहुत सारे देखे हैं। आप ही हमारे निवेशकों को या अपने निवेशकों को या हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कंपनी किस तरह से कामकाज करती है और क्या है पूरा प्रोसेस था जिसके बाद लिस्टिंग हुई आज कंपनी की। थैंक यू। तो हम लोगों ने ये 2022 में 14 फरवरी आज ही के दिन साइन ऑफ किया था मर्जर, और पूरे 2 साल बाद आज ये शेयर लिस्ट हुआ है। बेसिक कंपनी का जो फोकस एरिया है वो टेक्नोलॉजी और डेटा की तरफ है फॉर आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, विच वी कॉल्ड एज नॉर्मली एवरीवन, सबको लगता है कि होर्डिंग मतलब कि आउट ऑफ होम होता है, बट बियॉन्ड दैट देर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच इज लाइक बेसिकली स्ट्रीट फर्नीचर, जो कि बस क्यू शेल्टर्स आप देखते हो, आप फुटओवर ब्रिजेस देखते हो, आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बाइसिकल शेयर मॉडल देखते हो, दैट ऑल कम्स अंडर आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। और साइन पोस्ट इसी दिशा में अपना इन्वेस्टमेंट और फोकस एरिया रखा हुआ है पिछले 3-4 वर्षों से, और ग्रोथ जो है वो अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, दिल्ली। तो जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो ज्यादातर डिजिटल में होता है फॉर आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग ग्रोथ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा है कि वो आप एक ही स्पेस में शेयरिंग मॉडल पे आ जाते हो। उसके कारण एडवर्टाइजर को भी, ब्रांड्स को भी रीजनेबल प्राइसिंग मिलती है। सेकेंडली हम जो कैमरा एनालिटिक्स यूज करते हैं जिसके कारण टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मिलती है ब्रांड्स के लिए, रीच बेटर होती है, वो एनालाइज कर सकते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है इन एडवर्टाइजिंग वो किस दिशा में जा रहा है। तो आष्टेकर सर पहले तो मुबारकबाद आपको, 2 साल बाद सेम डे आपने ये माइलस्टोन अचीव हुआ। एक चीज़ ये 2 साल के अंदर क्या कुछ बदला कंपनी के अंदर, क्योंकि मैं जो देख रहा था कि बहुत सारे नए करार होते हुए कंपनी तरफ से दिखाई पड़े हैं, कई नए एयरपोर्ट्स को भी आपने शामिल किया है अपने पोर्टफोलियो में। क्या चेंज देखा? ग्रोथ आप देखोगे पिछले 2 साल में तो ज़्यादातर ट्रांजिट मीडिया में हमने किया है, विच इज लाइक मेट्रो, एयरपोर्ट, बस क्यू शेल्टर्स, बसेस। तो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी साइन पोस्ट के पास है विच इज अराउंड 14-15 ईयर्स, नेक्स्ट 14-15 ईयर्स के लिए साइन ऑफ एग्रीमेंट्स विच इज विद मेट्रो, मुंबई मेट्रो और मुंबई बीएसटी बस क्यू शेल्टर्स और मुंबई बसेस। देन उसके अलावा हमने ट्रैफिक सर्विलेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है बैंगलोर में, और ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे अगले 2 साल में कंप्लीट होंगे, और उसी दिशा में ग्रोथ हुई है। तो आष्टेकर सर दायरा बहुत बड़ा है, आप मतलब एक तरफ बागडोगरा का एयरपोर्ट दिख रहा है, दूसरी तरफ कोलकाता का दुर्गा पूजा पंडाल दिख रहा है, सो ये दायरा बहुत बड़ा है चीज़ों का। इसको हम यू नो अगर नंबर फॉर्म में देखें तो कैसे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या एक्सपेक्ट करके चले, किस तरह की CAGR कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में रहने वाला है अगले 1-2 साल के अंदर? डेफिनेटली ग्रोथ 20-25% के ईयर ऑन ईयर 100% होगी, बिकॉज क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स अभी लास्ट ईयर साइन ऑफ हुए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, इट विल एड रेवेन्यू, उसके ऊपर कोई खर्चा बढ़ने वाला नहीं है। सो योर फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी देयर, देयर इज नो मच वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होते जा रहे वैसे वैसे उसमें एडिशनल रेवेन्यू दिखता जाएगा। तो मिनिमम 25-30% की ग्रोथ तो हर साल दिखेगी जी। और आशिका सर क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर तो ये जो आपने बोला कि अब तक ट्रांजिट पे आप लोग काम कर रहे थे, सो अब और क्या उम्मीद आकर चले हम गोइंग फॉरवर्ड, क्या किस तरह से कौन कौन से नए एरियाज हैं जिनको कंपनी एक्सप्लोर कर रही है और कहां कहां से नए रेवेन्यू स्ट्रीम कंपनी जोड़ते हुए दिखाई पड़ेगी? तो ये जो टैलेंट प्रेसमैन का और एक्सपीरियंस था विच इज अ 360 डिग्री इन प्रिंट, टीवी, देन रेडियो,
सोशल मीडिया, उस दिशा में प्रेसमैन और का जो एक्सपर्टी थे वो वही ब्रांड के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एज अ पार्ट ऑफ साइन पोस्ट, एंड उसी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो क्लाइंट साइन पोस्ट के पास है या जो जो प्रेसमैन के पास ऑलरेडी साइन ऑफ है या इम्पैनल्ड है, उन्हीं में हम लोग सर्विसेज एक्सटेंड करेंगे ताकि रेवेन्यू लॉस कहीं ना हो और सेम मैन पावर में ज्यादा ग्रोथ मिले। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।